हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तसीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ लाहौर में 300 मजदूरों ने 206 फीट ऊंचा टावर बनाकर 75 फीट लंबा पाकिस्तानी फ्लैग लहरा दिया। इंडिपेंडेंस डे की बात है ये। चलो देखते हैं इस वीडियो को, इसके अंदर क्या है। 75 फीट काफ़ी हो गया वैसे, 75 फीट पर जाकर फ्लैग लहराना और 300 मजदूरों ने 206 फीट ऊंचा टावर बनाया, मतलब 206 फीट ऊंचा टावर बनाने के बाद। देखते हैं इस वीडियो को क्या है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को जाकर चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी के मौका पर जिलानी पार्क लाहौर में मुल्क का दूसरा बड़ा झंडा लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये झंडा पहुंच चुका है और टावर भी यहां पर नस्ब कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा वाघा बॉर्डर लाहौर में आपने देखा होगा, 230 फुट बुलंदी पे मौजूद है। लेकिन ये कितने फुट बुलंद होगा जो जिलानी पार्क लाहौर में लगाया जा रहा है, इस पर खर्चा कितना आया, कितने अरसे में तैयार हुआ, कितनी लेबर लगी और बेसिकली पर्पस क्या था कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा झंडा लगाया जाए, आइए आपको इसकी फिक्सिंग भी दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं ये सब बातें जो हमने अभी की हैं। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डीजी पीएचए डॉक्टर उमर जहांगीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बुलंदी पे फ्लैग तैयार किया गया यहाँ पे, कब से प्लानिंग चल रही थी और क्या पर्पस था? ये जी हमारा प्लान जो शुरू हुआ ये आज से तकरीबन एक माह कबल हमने प्लानिंग शुरू की इसकी, जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई लाहौर में। एक महीना इसकी हमने टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया और ये उसके बाद हमारे 10 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में 300 लोगों ने शबो रोज़ काम करके ये झंडा मुकम्मल किया जी। तकरीबन इसमें 50,000 के करीब मैन आवर्स खर्च हुए हैं और सरकार का तकरीबन 3.75 करोड़ रुपया इस पर लागत आई है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बता रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के बाद है, तो इसके अलावा ये जो फ्लैग है उसके बाद में वो कितना बड़ा है? इसका फ्लैग पोस्ट जी 206 फुट है और इसका जो झंडा इस पर लगाया गया है वो 75 फुट बाय 50 फुट का है। 75 क्योंकि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है तो उस हिसाब से 75 फुट उसकी इसीलिए लेंथ। इसके सिविल वर्क में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, मतलब कि कहां कहां से आपने डिपार्टमेंट तलब किए, क्या सिर्फ पीएचए के लोग थे साथ? जी ये सारा काम पीएचए की अपनी इंटरनल टीम ने किया है जी। इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमने बड़े आला पाए के हायर किए थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया, क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी इसकी हाइट है तो उसकी 30 फुट गहराई तक फाउंडेशन गई थी, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमने हायर किए थे। बाकी सारा काम पीएचए के अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया जी। इसकी तैयारी का जो जितना भी मराइल थे सारे वो क्या इसी जिलानी पार्क में हुए हैं? और जो आप खर्चा बता रहे हैं जो 3 करोड़ 30 लाख रुपए, ठीक है, उसमें क्या क्या इसमें काम हुआ? इसमें जिसकी पहले फाउंडेशन बनाएगी जो कि सबसे अहम और सबसे मुश्किल और सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम था, 30 फुट बाय 30 फुट की स्लैब है, क्यूब बना हुआ है पूरे का पूरा ज़मीन के अंदर, वो सारा का सारा यहाँ से ऑन साइट बनाया गया। लेकिन बाकी सारे इसके मोस्टली काम ऑफ साइट हुए जो कि 2-3 दिन पिछले लगा के सारों ने यहाँ बैठ के रात को जिलानी पार्क में सब कुछ असेंबल किया और आज आपके सामने नज़र आ रहा है। इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ रेंजर्स वगैरह तलब की जा रही है? नहीं, रेंजर नहीं तलब की जा रही। इसकी सिक्योरिटी के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड्स, स्पेशलाइज सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं जो कि रेंजर्स की एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है, उससे हमने लिए हैं जो कि झंडे के प्रोटोकॉल के बारे में और झंडे की हिफाजत दोनों का ख्याल रखेंगे। वैसे जैसे बताया जा रहा है कि 200 फुट ऊंचाई पे है तो ये झंडा कहाँ कहाँ से देखा जा सकेगा? जी देखें, जो आप इस्तंबुल चौक है, करतबा चौक है, वहाँ से आप अगर आप शुरू करेंगे तो आपको पूरी जेल रोड से झंडा इंशाल्लाह नज़र आएगा। जो गुलबर्ग वाली साइड है वहाँ पे दरमियान में कुछ ऊंची बिल्डिंग्स अच्छा। आ जाती है तो शायद वहाँ से विजिबल ना हो, लेकिन शादमान का पूरा एरिया, ऊंचाई 206 फीट है, जिलानी पार्क का एरिया और जिलानी पार्क के पीछे जो लॉरेंस रोड है वहाँ से क्लियरली नज़र आएगा। इसकी जो फ्लैग सेरेमनी है वो रोज़ाना कितने बजे हुआ करेगी, इसको सरनगो किस टाइम किया जाएगा? उसके लिए जब हम आज तो सेरेमोनियल है तो आज तो खाली आज ही का दिन लगेगा, उसके बाद हमने इसकी जब पूरी लाइटिंग का बंदोबस्त कर लिया तो फिर इंशाल्लाह ताला इसकी हम रोज़ जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है उसका स्केड्यूल अनाउंस करेंगे ताकि शहरी आएँ वो देख सकें। ये मंजर बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब इस तरह के झंडे को लहराया जाता है, तो वो इंशाल्लाह ताला पूरा स्केड्यूल बनाया जाएगा और उसकी तशहीर की जाएगी ताकि शहरियों को आराम से पहुँच सके सारी इन्फॉर्मेशन। सर आपका विजन क्या था, चूँकि लोग सबसे बड़ा परचम देखने जाते थे वाघा बॉर्डर पे, अब दूसरा बड़ा देखा जाए तो बस करीब करीब 20 फुट नीचे भी है, 220 फुट बन जाता है, तो मतलब लोगों को किस तरह से एंटरटेन करने के लिए मतलब क्या विजन था? देखिए जी, हमारे जो कौमी त्यौहार होते हैं 23 मार्च है, 6 सितंबर है, 14 अगस्त है, उन कौमी त्यौहारों पर हम देखते हैं कि तमाम लोग मीनार पाकिस्तान की जानब जाते हैं, पूरा शहर, पूरा लाहौर शहर उस तरफ जाता है, तो उसमें उसकी वजह से हमें मसाइल भी पेश आते हैं। अब हम इसको एक और अट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे आइंदा से,
जो कुछ मीनार पाकिस्तान में आतिशबाजी होती है वो इस दफ़ा हमने इधर भी की है कल रात को, तो आइंदा हर साल वो जो भी नेशनल इवेंट हुआ करेगा यहाँ पे उसी तरह की सेरेमनी हुआ करेगी जैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। इसमें 206 फीट बताया गया था, तो 230 का वाघा बॉर्डर पे है, सेकंड हाईएस्ट बिगेस्ट इन्होंने जो है फ्लैग बनाकर तैयार किया है एंड ज़बरदस्त 75 फुट का फीट का जो है वो झंडा बनाया है, ऊंचाई 206 फीट है। ये मुझे कन्फ्यूजन था कि यार झंडा कितना बड़ा है, 75 फुट का है, ठीक है तो इतना बड़ा क्यों बोल रहा है, मतलब ऊंचाई पर जहाँ पर उसको लहराया गया है वो है। सो बहुत सही, और 3-3.5 करोड़ में इन्होंने, 3 से 3.25 करोड़ के बीच में इन्होंने बनाकर तैयार किया, मेहनत की, एक महीने के अंदर तैयार किया, दिन रात मेहनत कर लोगों ने इसको बना दिया है। लोग आएंगे देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा झंडा देखना भी एक मतलब अंदर से चाहत होती है लोगों की यार के पाकिस्तान का या इंडिया का सबसे बड़ा झंडा कहाँ पर है, उसको देखने जाएंगे, वो जब लहराएगा उसकी कोई सेरेमनी होगी, तो वैसे कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में भी होने वाला है आगे से आने वाले टाइम में। एंड झंडा बहुत बड़ा था, बहुत ही टाइम और मेहनत ली होगी इसने, मतलब जितना ये बता रहा है उससे पहले से प्रोसेस चल भी रहा होगा इसका। बढ़िया वीडियो था, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। क्या आप लाहौर से हो या नहीं भी हो तो आप इस झंडे को देखने गए थे या नहीं गए थे, कैसा लगता है आपको ये सब करके झंडा देख कर, या फिर ऐसे कुछ सेरेमनी में जाते हो या नहीं जाते हो, वो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।